Hello students, in this video also we are going to see the benefits of advertising. Last video में हम लोग ने देखा था benefits of advertising to business firm. इस video में अभी हम लोग देखेंगे benefits of advertising to the consumer. Okay, so we'll start one by one. Now पहला benefit consumer को मिलता है that they can get the better quality products. Now better quality products कैसे मिलता है advertising की वजह से? तो advertising क्या होता है? Competition को बढ़ाता है. और जब कंपटीशन बढ़ता है तो उसका सबसे ज्यादा बेनिफिट होता है कस्टमर्स को, इन टर्म्स ऑफ उनको अच्छे क्वालिटी के गुड्स मिल जाते हैं. ओके, बिकॉज क्या होता है कि कंपटीशन बढ़ता है तो कंपटीशन में टिकने के लिए हर एक मार्केटर क्या करता है, अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी इंप्रूव करना शुरू कर देता है. मतलब वो लोग रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेंगे, वर्कर्स को अच्छी ट्रेनिंग देंगे ताकि वो लोग अच्छी तरह क्वालिटी के गुड्स बना पाए. ओके, फिर बाद में अच्छे टेक्नोलॉजी वगैरह यूज करेंगे. सो ये सब चीजों की वजह से क्या होता है, कस्टमर को अच्छे क्वालिटी के गुड्स मिल जाते हैं. और जब कस्टमर अच्छे क्वालिटी के गुड्स यूज करते हैं तो डेफिनेटली उनका मार्केट में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रेज होने में हेल्प होता है. सो एडवर्टाइजिंग की वजह से कॉम्पिटिशन बढ़ता है, कॉम्पिटिशन की वजह से मार्केटर अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी इंप्रूव करता है, और जिसकी वजह से कस्टमर को अच्छे क्वालिटी के गुड्स मिलते हैं और उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ जाता है. दूसरा है, एडवर्टाइजिंग के वजह से कस्टमर को कम दाम में गुड्स मिलते हैं. नाउ यहाँ पे एक तो आप लोग बोल सकते हो कि कंपटीशन के वजह से डिस्काउंट्स वगैरह दिए जाते हैं जिससे कस्टमर को कम दाम में गुड्स अवेलेबल हो जाते हैं. और दूसरा होता है इकोनॉमी ऑफ स्केल, जो मैंने आप लोगों को मेरे लास्ट वीडियो में भी समझाया कि मार्केटर क्या करता है कि एडवर्टाइजिंग की वजह से डिमांड बढ़ता है तो वो ज्यादा रॉ मटेरियल परचेस करता है, और ज्यादा रॉ मटेरियल परचेस करने की वजह से उसको क्या होता है, रॉ मटेरियल पे डिस्काउंट्स मिलते हैं. उसको हम लोग बोलते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल. तो उनको जो डिस्काउंट मिले उसका कुछ पार्ट वो क्या करते हैं, कस्टमर को पास ऑन करते हैं, या कस्टमर के लिए वो लोग क्या करते हैं, वो डिस्काउंट पास ऑन करते हैं, जिसकी वजह से कस्टमर को कम दाम में गुड्स अवेलेबल हो जाते हैं. सो दो चीजों के बारे में मैंने यहाँ पे आप लोगों को बताया. ओके, एक तो मैंने आप लोगों को ये बताया कि यहाँ पे कॉम्पिटिशन होने की वजह से कस्टमर को डिस्काउंट्स वगैरह दिए जाते हैं. ओके, जिसके वजह से वो उनको अच्छे क्वालिटी के गुड्स कम दाम में अवेलेबल हो जाते हैं. और दूसरा, इकोनॉमी ऑफ स्केल का बेनिफिट जो होता है मार्केटर को मिल जाता है, और उसके वजह से भी क्या होता है, वो उसका बेनिफिट जो कस्टमर को पास ऑन करते हैं. सो कस्टमर्स आर गेटिंग क्वालिटी प्रोडक्ट एट अ लोअर प्राइस. थर्ड वाला है हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जो ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बताया कि बिकॉज ऑफ द एडवर्टाइजिंग कस्टमर्स आर गेटिंग बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट एट लोअर प्राइस, एंड दैट इज वाई देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज इंक्रीजिंग. जब कस्टमर खराब क्वालिटी के गुड्स यूज करेंगे तो ऑब्वियसली उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या होगा, लो होगा. बट यहाँ पे क्या हो रहा है, एडवर्टाइजिंग की वजह से वो लोग अच्छे क्वालिटी के गुड्स परचेज कर पा रहे हैं, वो भी उनके बजट में गुड्स अवेलेबल उनको हो रहे हैं. सो उसके वजह से उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मार्केट में बढ़ रहा है. कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन, नाउ यहाँ पे ऑब्वियसली मैंने सेम चीजें रिपीट होती जा रही है यहाँ पे, कि वापस से यहाँ पे अभी आप लोग क्या लिख सकते हो कि कस्टमर को अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं और बेटर क्वालिटी में मिल रहे हैं, प्लस कस्टमर को सारी इन्फॉर्मेशन भी मिल रही है कि प्रोडक्ट के बेनिफिट्स क्या है, उसको कैसे यूज करना, उसके अंदर क्या इंग्रेडिएंट्स यूज किए हैं, और ये सब चीजों की वजह से क्या हो रहा है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन मिल रहा है. सो दे आर गेटिंग बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट एट लोअर प्राइस, दे आर ऑल्सो गेटिंग ऑल द इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट विच रिजल्ट्स इनटू कस्टमर सेटिस्फेक्शन. इन्फॉर्मेशन, एडवर्टाइजिंग की वजह से कस्टमर को सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है प्रोडक्ट के बारे में, जैसे कि उसकी प्राइस कितनी है, उसकी अवेलेबिलिटी, मतलब वो प्रोडक्ट कहाँ कहाँ पे अवेलेबल है. ओके, या उसको यूज कैसे करना है, उसके बेनिफिट्स क्या है, साइड इफेक्ट्स क्या है, प्रिकॉशंस क्या लेने हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन एडवर्टाइजिंग कंज्यूमर को प्रोवाइड करते हैं. जैसे कि सपोज आप ये बिग बाजार का एडवर्टीजमेंट देख रहे हो, तो इसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन कि कितना डिस्काउंट मिल रहा है, कौन से प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, या फिर ये डिस्काउंट कौन से बिग बाजार पे अवेलेबल है. ओके, फिर बाद में कौन से कार्ड के ऊपर कितना डिस्काउंट मिल रहा है. सो एवरी पॉसिबल इन्फॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड टू द कस्टमर विद द हेल्प ऑफ एडवर्टाइजिंग. सो कस्टमर्स को इसके वजह से क्या होता है, परचेस डिसीजन लेने में हेल्प होता है कि कौन सा प्रोडक्ट परचेस करना चाहिए, कितने क्वांटिटी में परचेस करना चाहिए. ऑल दिस इज पॉसिबल टू द कस्टमर बिकॉज ऑफ द एडवर्टाइजिंग. सो एडवर्टाइजिंग कस्टमर को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है. नेक्स्ट इज एडवर्टाइजिंग कस्टमर को एजुकेट भी करता है. नाउ एजुकेट किसके बारे में करता है, कि कस्टमर के राइट्स क्या है,
कंज्यूमर कोर्ट्स में वगैरह कैसे केस फाइल करना है, माल प्रैक्टिसेस क्या क्या होती है मार्केट के अंदर ना। यहाँ पे मैंने जागो ग्राहक जागो का आप लोगों को एग्जाम्पल दिया हुआ है, आप YouTube पे जाके जागो ग्राहक जागो के एडवर्टीजमेंट्स वगैरह देख सकते हो, जिसके अंदर कस्टमर को अवेयर किया जाता है कि किन किन तरीके से माल प्रैक्टिसेस होती है मार्केट के अंदर। फिर वो लोग आपको बताते हैं कि आपको कंज्यूमर कोर्ट में जाना चाहिए कि अगर आपका कोई भी किसी भी तरीके से एक्सप्लॉयटेशन अगर सेलर के तरफ से होता है तो, ओके, प्लस आपके क्या क्या अधिकार है, आपके क्या क्या राइट्स है एज अ कंज्यूमर, वो आप लोगों को एजुकेट किया जाता है। ओके, फिर बाद में हम लोग काफी सारे जागो ग्राहक जागो एडवर्टीजमेंट में ये भी बताया जाता है कि किस तरीके से अडल्ट्रेशन होता है, मिलावट किस तरीके से की जाती है। फिर हम लोग को एमआरपी के ऊपर भी हम लोग क्या बार्गेन कर सकते हैं। ओके, ऐसी बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है वो हम लोग को ये जो एडवर्टीजमेंट है, स्पेशली जो जागो ग्राहक जागो के एडवर्टीजमेंट है, उसके थ्रू हम लोग को मिलती है, जिससे कस्टमर को एक तरीके का एजुकेशन मिलता है, उनको अपने राइट के बारे में अवेयरनेस क्रिएट होती है। तो आप YouTube पे जाके जागो ग्राहक जागो के एडवर्टीजमेंट्स वगैरह देखो, आपको काफी ज्यादा वो इंटरेस्टिंग लगेगी। नेक्स्ट है रिमाइंडर। नाउ रिमाइंडर मतलब क्या, कि टीवी में एडवर्टीजमेंट आता है, न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट आता है, पैम्पलेट्स वगैरह होते हैं, पोस्टर्स वगैरह होते हैं, तो एडवर्टीजमेंट को देख के कस्टमर को रिमाइंड होता है कि अरे मुझे ये प्रोडक्ट परचेस करना है करके। ओके, और उसके हिसाब से फिर क्या करता है कस्टमर, वो प्रोडक्ट को जाके परचेस करता है। जैसे दिवाली आने वाली है, सो बहुत सारी चीजें होती है घर के अंदर, बहुत सारी प्रिपरेशंस करने रहते हैं, तो हम लोग बहुत सारी चीजें भूल जाते हैं। सो एडवर्टाइजिंग हम लोग को याद दिलाता है कि हम लोग को ये कपड़े, ब्रांडेड के कपड़े परचेस करने हैं, ये स्वीट्स हम लोग को परचेस करना है, या ये क्रॉकरी हम लोग को परचेस करनी है। सो इस तरीके से जो होता है वो एडवर्टाइजमेंट लोगों को क्या करता है, प्रोडक्ट को परचेस करने के बारे में रिमाइंडर करके देता है, स्पेशली जो तुम्हारे फेस्टिवल्स वगैरह टाइम होते हैं उस समय पे। देन एडवर्टाइजिंग आपका टाइम भी सेव करता है, मतलब एडवर्टाइजिंग के अंदर आप लोग देखते हो यहाँ पे आपको कॉन्टेक्ट नंबर वगैरह या शॉप का एड्रेस वगैरह दिया रहता है, तो आपको कहीं पे भी घूमने की जरूरत नहीं है। यू नीड नॉट टू वेस्ट योर टाइम इन सर्चिंग द शॉप, ओके, इन सर्चिंग द प्रोडक्ट, ओके, एवरी पॉसिबल इन्फॉर्मेशन यू विल गेट इन द एडवर्टाइजमेंट इटसेल्फ। तो उसकी वजह से क्या होता है, आपको वो परचेस करने का डिसीजन भी आप लोग ले सकते हो, प्लस आपका टाइम, मनी और एनर्जी भी क्या हो रहा है, यहाँ पे सेव हो रहा है। सो ऐसे पैम्पलेट्स वगैरह होते हैं या टीवी में वगैरह भी आपको क्या करते हैं, वो लोग मोबाइल नंबर या कम्युनिकेशन का जो नंबर होता है या ईमेल आईडी वगैरह होता है वो प्रोवाइड किया जाता है, जिससे कस्टमर का टाइम सेव होने में हेल्प होता है। सो ये सारे बेनिफिट्स कंज्यूमर को मिलते हैं बिकॉज ऑफ द एडवर्टाइजिंग। थैंक यू स्टूडेंट्स, please do like, share, comment and subscribe to my YouTube channel and also recommend my channel to your friends. We will meet in the next video. Bye-bye.